अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी माइरीना और कॉपर टी रखवाई हो, जो कि हमल को रोकने के लिए रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमल हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि माइरीना और कॉपर टी हम हमल रोकने के लिए रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको हाथ में लिए ही पैदा हो जाते हैं, तो आने वाले को आप नहीं रोक सकते। अब जो आ गया है तो हमने आगे का सोचना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस माइरीना और कॉपर टी को जब रखवाया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर हो भी तो ज्यादातर एक्टोपिक के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आ जाए, और उसको बताना है कि आपने कॉपर टी रखवाई है, ताकि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करे। नॉर्मल प्रेगनेंसी बच्चेदानी में होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो ट्यूब में हो जाती है। तो जब आपने माइरीना रखवाया होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा ट्यूब में होते हैं, और वो डॉक्टर कैसे इसको जानेगा? आपके कुछ टेस्ट करवा के, जैसे सीरम बीटा एचसीजी लेवल्स और अल्ट्रासाउंड करके। इसके अलावा माइरीना और कॉपर टी आपको हमल के पहले 12 हफ्तों में रिमूव करवा देनी चाहिए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जितना जल्दी रिमूव करवाएंगे उतना बेहतर है। इसको रिमूव करने का तरीका नहायत आसान होता है। आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर जो है वो फोर्सेप्स की मदद से आराम से माइरीना या कॉपर टी को निकाल देते हैं। इसलिए बहुत आम सा प्रोसीजर है, इसे आपने घबराना नहीं है। अगर आप इसको रिमूव करवाते हैं, जो कि एक आम सा प्रोसीजर है, इसको रिमूव करने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज यानी उस वक्त मिसकैरेज हमल के ज़ाया होने का खतरा हो सकता है, जिसका चांस कम होता है। लेकिन फिर आपको इसको रिमूव क्यों करवाना चाहिए अगर हमल के ज़ाया होने का खतरा होता है? क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करते, कॉपर टी और माइरीना को नहीं निकालते, तो हमल आगे जाकर ज़ाया हो सकता है, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, तो आगे जाकर ज़्यादा खतरा होगा, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और वो बच्चे जो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, वो फतह का झंडा हाथ में लिए पैदा हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये दो जिंदगियों का सवाल है। शुक्रिया।